अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हो रहा है ये चाची? मुझे सब पता है और मैं ये फिजूल खर्चा नहीं होने दूंगी, समझे? लेकिन हम छोटी सी बर्थडे पार्टी कर रहे हैं चाची। किसका बर्थडे है? तुम्हारा, आयुष का या सचिन का? बोलो। मैं अपने घर में किसी बाहर वाले के लिए ये सब नहीं करने दूंगी। ये घर हमारे पापा का भी है। दोबारा कहना एक बार, क्या कहा तुमने? ये घर हमारे पापा का भी घर है। और हम टीचर मिस का बर्थडे बना सकते हैं यहाँ। हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत? मुझसे जबान लड़ाता है? भूल गया किससे बात कर रहा है? अपनी चाची से, जो हम एक अच्छा काम करने से रोक रही है। चल चल। मम्मी जी, आप जानती हैं ये? चल, बच्चों का जो मन है उन्हें करने दो। आखिर ये उनका भी तो घर है। तुम क्यों इस तरह मुझे अकेला छोड़ के चले गए?
अपने गम, अपनी परेशानियां मैं अब किसको बताऊं? तुम जब थी तो मुझे हर मुश्किल हालात से बाहर निकाल लेती थी। तुम्हारी बातें मुश्किल को आसान बना देती थी। और अब जब तुम नहीं हो मेरे साथ तो छोटी छोटी बातों से भी परेशान हो जाता हूं मैं। जिंदगी जीना भी मुश्किल हो गया है। कभी कभी मन कहता है कि ये एक बुरा सपना है जो एक दिन टूट जाएगा, और जब मैं आंखें खोलूंगा तो तुम्हें सामने पाऊंगा और जिंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर जाएंगे पहले की तरह। तरस बिना उस राम पिया के, तरस गए नैन सिया के। सिया है राम के मन में, पेहर चली पेहर चली, जनक दुलारी गोरे मुख पे बाबूजिया के, तरस गए नैन सिया के, तरस गए नैन सिया के। गुड मॉर्निंग बेटे। सिद्धार्थ कहाँ है? वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं। पापा अखबार पढ़ लिया? यस।
के साथ साथ उसकी सारी खुशियां भी चली गई। उसको पिछली बार हंसते हुए कब देखा था याद नहीं। चुपचाप सब कुछ सहता जा रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम कर भी क्या सकते हैं पापा? अपने ही घर वालों की वजह से ये हालात बने हुए हैं। माँ और चंचल की वजह से घर के ऐसे हालात हैं। सिद्धार्थ भैया कोई शिकायत नहीं करते, इसलिए दोनों को और शय मिलती। तो लगता है सिद्धार्थ को खुश देखने की हसरत हसरत ही रह जाएगी। जया भाभी थी तो सब कितने खुश थे। सिद्धार्थ की जिंदगी में जया की जगह और कोई नहीं ले पाएगा। हाँ बस एक कान नहीं बेटे, हमें दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं लाने चाहिए। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। उसने हर एक के लिए कुछ न कुछ तय करके ही रखा है। अब सिद्धार्थ और आंचल की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो भी उसी को पता है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।